श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में दसवें भाव में रहेंगे। जी हाँ, ये दिन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। दसवां भाव हमारा कर्म क्षेत्र है। ये भाव हमारे कामकाज के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जिस वजह से आपको इस समय में अपने कार्य क्षेत्र में मान प्रतिष्ठा मिलेगी। आपको इस समय में धन कमाने के नए रास्ते, नए जरिए मिल सकते हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए ये समय काफी बढ़िया रहेगा। आप इस समय में खुलकर निवेश कर सकते हैं। निवेश के लिए, पैसों के लेन देन करने के लिए ये समय काफी अनुकूल है। ये दिन पूरी तरह से आप ही के फेवर में रहेगा। इस समय में आपके सहयोगी आपकी मदद करेंगे। आपका मन अपने काम में लगेगा। अच्छे कामों की वजह से आपको प्रशंसा भी मिल सकती है। दसवें भाव में चंद्रमा चौथे स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं। इस वजह से आपको सुखों की प्राप्ति भी होगी। आपके घर में साज सजावट का या जरूरत का नया सामान भी इस समय में आ सकता है। इस समय में आपके ससुराल पक्ष से भी आपको धन लाभ होने की संभावना रहेगी। अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय बेहतरीन रहेगा। पढ़ाई में पूरी तरह से मन लगेगा। अपने फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए ये समय सही है। इस समय में आपकी वाणी में मिठास रहेगी। लोग आपसे प्रभावित होंगे। इस समय में आपको पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। परिवार के साथ खुशियां मनाने के लिए ये समय अच्छा रहेगा। अगर स्वास्थ्य की बात करें, सेहत की बात करें, तो स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी मोटी परेशानियां इस समय में आने की संभावना रहेगी, लेकिन चिंता करने जैसी कोई बात नहीं रहेगी। कुल मिलाकर ये दिन बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा साबित होने वाला है। दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। कभी कभी हमारी पर्सनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजीशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशिफल परिणाम में बदलाव दिख सकता है। इसलिए राशिफल को एक मार्गदर्शन के तौर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा।